बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुजात और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फार्मा इनफॉर्म। तो फार्मा इनफॉर्म में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है स्प्रे वेरिएबल्स। स्प्रे वेरिएबल्स में हम पढ़ेंगे स्प्रे रेट को, फिर हम पढ़ेंगे ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर को, फिर हम पढ़ेंगे स्प्रे पैटर्न। तो स्प्रे पैटर्न में देख रहे होंगे आप, हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्प्रे गन, स्प्रे गन डिस्टेंस या गन टू गन डिस्टेंस, और साथ हम डिस्कस करेंगे स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस को, कि स्प्रे वेरिएबल्स का हमारे टैबलेट की कोटिंग की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इससे पहले हम जो पीछे वेरिएबल्स थे टैबलेट वेरिएबल्स को और प्रोसेस एयर वेरिएबल्स को और पैन वेरिएबल्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्प्रे रेट। तो जैसा कि ये हमारा कोटिंग पैन है, अगर इसके अंदर हमारा ये एक रॉड होता है जिसके ऊपर गन इंस्टॉल होती है। सपोज एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है, एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है और एक गन यहाँ पे इंस्टॉल है। हमारे इस पैन के अंदर अगर हम सपोज करें कि तीन गन इंस्टॉल हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पे हमारी जो टैबलेट्स हैं वो मौजूद है और पैन हमारा ऐसे रोटेट करता है और हमारा स्प्रे का जो शावर होता है वो इसके थ्रू टैबलेट के ऊपर शावर हो रहा होता है। तो हमने अब देखना है स्प्रे रेट, कि हम किस रेट के थ्रू अपने शावर को या अपनी सस्पेंशन को टैबलेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या शावर करते हैं। इनकी सारी सप्लाई बेसिकली ये पाइप होता है, यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक पंप होगा, ये फिर पाइप होगा, यहाँ पे कोटिंग सस्पेंशन होगी, कि कोटिंग सस्पेंशन को पेरिस्टाल्टिक पंप जो होता है वो डिलीवर करता है स्प्रे गन्स को। हर गन को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि फिर शावर होता है हमारी टैबलेट्स के ऊपर। तो स्प्रे रेट हम जैसे कि पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके थे, स्प्रे रेट एक जो हमारा पैरामीटर है इसकी सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे टेम्परेचर के साथ भी, हमारे टैबलेट बेड के साथ भी और हमारे पैन स्पीड के साथ भी। तो स्प्रे रेट को हमेशा जब कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है तो स्लो रखा जाता है, ताकि हमारी टैबलेट की जो सरफेस होती है वो, क्योंकि कोर होती है उसके ऊपर पिट्स ना पड़े, उसके सरफेस रफ ना हो, डैमेज ना हो। बहुत हाई स्पीड से अगर आप कोर टैबलेट्स के ऊपर ही शावर करेंगे तो, क्योंकि ये ऑटोमाइजेशन के थ्रू प्रेशर के साथ हमारा शावर अप्लाई हो रहा होता है, तो अगर टैबलेट्स की हार्डनेस कम है या उसकी सरफेस पोरस है तो हमारे उसके अंदर पिट्स बन जाएंगे और टैबलेट की सरफेस हमारी जो होती है वो रफ होना शुरू हो जाती है। तो स्प्रे रेट को हमेशा जब भी कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट में हम स्लो रखते हैं, पैन स्पीड भी स्लो होती है, फिर साथ साथ हम अपना स्प्रे रेट बढ़ाते जाते हैं और साथ साथ अपने पैन स्पीड को भी बढ़ाते जाते हैं और दोनों की सिंक्रोनाइजेशन के साथ हमारा कोटिंग ऑपरेशन स्मूथ चलता रहता है। तो ये तो सिंपल सा था कि हमारा स्प्रे रेट जो होगा उनको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्प्रे रेट सिंपल सी बात है, आपने हमेशा अपनी टैबलेट्स की फिजिकल कंडीशन को देख के उसको बढ़ाना होता है या उसको कम करना होता है या उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है, और साथ साथ अपने पैन स्पीड को अपने सिंक्रोनाइजेशन में रखना होता है। तो स्प्रे रेट में सिंपल इतना ही। नेक्स्ट जो है ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर, मेन चीज़ जो है वो होती है ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर। जिस तरह कोटिंग सॉल्यूशन हम पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू पाइप के जरिए हर गन को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर तो ये सिंपल कोटिंग सॉल्यूशन ही हो, कोई एयर की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ये जब कोटिंग सॉल्यूशन हमारा गन्स में आएगा तो ये सिंपल इसकी ड्रिपिंग होना शुरू हो जाएगी, ये शावर में कन्वर्ट नहीं होता। सिंपल जैसे अगर हम नल खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, अगर आप उसको बहुत स्लो स्पीड पे खोलें तो ड्रॉप गिरते हैं, तो वैसे ही इन गन्स के थ्रू हमारे जो ड्रॉप्स होंगे सस्पेंशन के
वो टैबलेट की सरफेस पे गिरेंगे और उसको डैमेज कर देंगे। तो हम हमेशा अपनी जो होती है स्प्रे, जो आप देख रहे होते हैं एक शावर की फॉर्म में, उसको एयर के ज़रिए अपने ड्रॉपलेट्स को हम ऑटोमाइजेशन करके अपने सॉल्यूशन को पीछे से एयर प्रेशर सप्लाई करके एक शावर में कन्वर्ट करते हैं, या ऑटोमाइजेशन के थ्रू हम अपने सस्पेंशन को जो होता है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो साथ बेसिकली हमारे इस रोबोट्स के अंदर या गन्स के साथ साथ एयर के पाइप्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं कि जैसे ही हमारा सॉल्यूशन स्पोर अगर इस गन में आया है तो साथ एयर की सप्लाई भी होती है। एयर प्रेशर के थ्रू हमारा जो सस्पेंशन होती है वो, क्योंकि हमारा जो ऑरिफिस होता है या होल होता है कोटिंग गन का नीडल के साथ, वो बहुत फाइन होता है, तो जब एयर पीछे से उसको प्रेशर के साथ पुश करेगी हमारे सॉल्यूशन को, तो वो ऑटोमाइजेशन के थ्रू शावर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर टैबलेट की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो मेन हमने देखना है कि ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि एयर का प्रेशर यूज़ हो रहा होता है ऑटोमाइजेशन के लिए, तो ऑटोमाइजेशन प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, यानी ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा फाइन होंगे। जितने ड्रॉपलेट फाइन होंगे फिर उनका वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत फाइन ड्रॉपलेट एवेपोरेशन भी उनकी हो सकता है जल्दी हो जाए और एग्जास्ट के थ्रू उनका वेस्टेज भी ज़्यादा हो, इसलिए बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम अपने ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर को बहुत कम कर दें तो हमारे जो ड्रॉपलेट का साइज़ होगा वो फाइन में, सपोज हमारा ड्रॉपलेट साइज़ बहुत छोटा हो गया ये, अगर हम अपना ऑटोमाइजेशन प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा ड्रॉपलेट साइज़ जो होगा वो इनक्रीज़ हो जाएगा। यानी अगर एयर प्रेशर पीछे से कम आएगा तो हमारा कोटिंग सॉल्यूशन भी जो होगा वो फाइन ड्रॉपलेट्स के बजाय लार्ज ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टैबलेट की सरफेस पे आएगा। अगर इस फॉर्म में टैबलेट की सरफेस पे आएगा तो हमारी टैबलेट की सरफेस को वेट करेगा, उससे स्टिकिंग, पिकिंग या ट्विनिंग जैसे जो इफेक्ट हैं वो आएंगे, या टैबलेट की सरफेस जो है वो वेट होकर डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा जो ऑटोमाइजेशन प्रेशर होता है उसको हम अपनी स्प्रे गन्स के एडजस्टमेंट के लिहाज से इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो ड्रॉपलेट साइज़ है वो यूनिफॉर्म हो और जो हमारे लिए सूटेबल होता है टैबलेट सरफेस के लिए भी वो भी, और टैबलेट की क्वालिटी के लिए हम वो यूज़ करें। अगर हमारा ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तब अगर कोटिंग पैन के डोर को ओपन करें तो फिज़िकली भी देख सकते हैं कि जहाँ पर ये शावर आ रहा होता है वहाँ पर टैबलेट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फ्लूडाइजेशन फॉर्म में हो रही होती है, उसके आपको फील हो रहा होता है कि हमारा एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बहुत इंटेंसिटी के साथ हमारा जो शावर है वो टैबलेट की सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो वही जो इंटेंसिटी होती है अगर ज़्यादा होगी तो हमारी टैबलेट सरफेस के ऊपर पिट्स बना देती है। इसलिए हमेशा ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर को यूनिफॉर्म रख के यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट साइज के थ्रू हम अपने कोटिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं और इसी ऑपरेशन को हम इसी साइज़ के साथ मेनटेन रखते हैं। तो ऑटोमाइजेशन प्रेशर को गन्स के साथ एडजस्टमेंट होती है, आप कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे ऑटोमाइजेशन प्रेशर को यूनिफॉर्म रखते हैं कि हमारी टैबलेट की जो कोटिंग की क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म रहे, स्मूथ रहे और उस पर कोई डिफेक्ट ना आए। तो ऑटोमाइजेशन प्रेशर में आज की वीडियो में इतना ही था कि मेन चीज़ आपको बताना कि एक एक पॉइंट को समझाना, बहुत सी चीज़ें हो सकती है आपको पता हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर फार्मासिस्ट लेवल पे बात की जाए तो हमें नहीं पता होती कि इन चीज़ों को हमने कंट्रोल कैसे करना होता है, या जो ऑपरेटर जब कोटिंग कर रहे होते हैं तो किन किन पैरामीटर्स को वो देख रहे होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके कुछ का डिटेल ओवरव्यू और कुछ का ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए दिया जा रहा है कि आपको हर चीज़ की ईजिली समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में देख पूछ सकते हैं, और कोटिंग के बारे में या ग्रेडुलेशन कंप्रेशन या इसके अलावा कैलकुलेशंस को सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी वीडियोज़ ही अच्छी लगेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।